Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum class 3. How are you? I hope you will be fine. I pray to Allah Ta'ala may protect us all. Okay class 3, now open your science workbook. And your page number is 10 and 11. Mention your date, class work and day on both pages. Your work is explain the process of photosynthesis by writing what happened at each stage. Niche aapko stages di gayi hain 1, 2, 3, 4. इन्हें आपने पढ़ना है और फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट पढ़कर राइट करना है कि हर स्टेटमेंट में स्टेज में क्या हो रहा है. योर फर्स्ट इज प्लांट्स गेट हीट लाइट एंड एनर्जी फ्रॉम दी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स जो हैं हीट हरारत लाइट और एनर्जी किससे हासिल करते हैं, जैसा कि लेबल भी आपको करके दिखाया गया सन से. राइट करें सन, एस यू एन सन. योर सेकेंड इज द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज क्लोरोफिल. प्लांट्स में ग्रीन कलर का जो मादा होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल हेल्प्स प्लांट मेक. क्लोरोफिल प्लांट्स की मदद करता है क्या बनाने में, उसकी फूड जो कि किस फॉर्म में होती है, शुगर, एस यू जी ए आर. राइट करें. एंड ऑक्सीजन, ओ एक्स वाई जी ई एन, ऑक्सीजन. योर थर्ड इज प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर डैश. लेबल भी किया गया है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करते हैं किसके थ्रू, अपने लीव्स के थ्रू, एल ई ए वी ई एस, लीव्स. ओके. योर लास्ट इज प्लांट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स थ्रू देयर डैश. प्लांट्स ज़मीन से पानी और मिनरल्स को जज़ब करते हैं अपने किस पार्ट के थ्रू, जो ज़मीन में उसका पार्ट होते हैं, जैसे कि रूट्स, आर डबल ओ टी एस, रूट्स. ओके. और नेक्स्ट पेज, सॉल्व द क्रॉस वर्ड पज़ल. आपने ब्लैंक्स को सॉल्व करना है और पज़ल में राइट करना है. जैसे कि आपको हिंट भी दी गई है, एक्रॉस, एक्रॉस होता है आर पार, तिरछा. एक्रॉस में एक ब्लैंक है इसी तरह से, और वन राइट किया हुआ है इसी तरह से, वन. ये एक आपको दिया गया है पज़ल एक्रॉस में, और आपने इसमें राइट करना है. योर फर्स्ट इज डैश इज द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट. प्लांट्स में ग्रीन कलर के सब्सटेंस को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. राइट करें, सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल, क्लोरोफिल. अब इसके टोटल कितने वर्ड्स हैं, राइट करें तो काउंट करें ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अब ऊपर आपके बॉक्सेस भी 11 होने चाहिए, हर बॉक्स में एक वर्ड आपने राइट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. क्लोरोफिल को हम इधर भी राइट कर देंगे, सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल, क्लोरोफिल. डाउन में आपका फर्स्ट है प्लांट्स ब्रीथ इन डैश डाइऑक्साइड. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो प्लांट्स कौन सी गैस को अपने अंदर जज़ब करते हैं, हासिल करते हैं हवा से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को. डाइऑक्साइड आपका लिखा हुआ है, आपने कार्बन राइट करना है ब्लैंक में, सी ए आर बी ओ एन, कार्बन. वन है और डाउन में है, यानी ऊपर से नीचे, तो आप डाउन में ऊपर से नीचे लिखेंगे, सी ए आर बी ओ एन, कार्बन. योर सेकेंड इज ग्रीन प्लांट यूज डैश फ्रॉम द सन टू मेक देयर फूड. ग्रीन प्लांट्स सूरज से क्या हासिल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए, सनलाइट. राइट करें सनलाइट, एस यू एन एल आई जी एच टी, सनलाइट. नंबर क्या है आपका, टू. टू में आपने राइट भी करना है, एस यू एन एल आई जी एच टी, सनलाइट. योर थर्ड इज प्लांट्स मेक अ टाइप ऑफ डैश फ्रॉम सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए, सनलाइट को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और किस तरह की अपनी खुराक बनाते हैं, किस फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में. राइट करें शुगर, एस यू जी ए आर, शुगर. नंबर है आपका थ्री, ऊपर थ्री में आपने राइट भी करना है, एस यू जी ए आर, शुगर. योर फोर्थ इज डैश मेक फूड इन देयर लीव्स. पत्तों में अपनी खुराक कौन बनाते हैं, पौधे, प्लांट्स. राइट करें प्लांट्स, पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स. फोर नंबर पर, ऊपर से फोर नंबर पर भी हम राइट करेंगे, पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स. योर फिफ्थ इज प्लांट्स ब्रीथ आउट डैश डैट एनिमल्स ब्रीथ इन. प्लांट्स कौन सी गैस को खारिज करते हैं जो जानवर यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन, ओ एक्स वाई जी ई एन, ऑक्सीजन. आपने फाइव पज़ल में राइट भी करना है, ओ एक्स वाई जी ई एन, ऑक्सीजन. योर वर्किंग इज़ कम्प्लीट नाउ.
ऑन पेज नंबर 9, ये आपका होमवर्क में है। आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और देखना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। आपने बॉक्सेस में जो ट्रू है वहाँ पर टी राइट करना है, जो फॉल्स है वहाँ पर एफ राइट करना है, और नीचे आपकी ब्लैंक्स हैं। जैसे लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम द, लाइट एनर्जी किससे हासिल की जाती है, सन। इसी तरह से अपने बाकी भी ब्लैंक्स सॉल्व करनी है और अपनी इस वर्किंग को अच्छी तरह से लर्न करना है। नाउ ओपन योर साइंस बुक। पेज नंबर 20 पर आपकी एक्टिविटी दी गई है। अब आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस का। आपको पता होना चाहिए प्लांट्स के लिए किन तीन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी फूड तैयार करने के लिए, सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो हवा से हासिल करते हैं। अब आपने ऐसे करना है कि आपने हार्ड बोर्ड लेना है और उसकी डिफरेंट शेप्स कट करनी है, लाइक स्टार की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, ट्रायंगल की शेप में, किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं। आपने कट करके लीव्स के ऊपर पेस्ट करनी है इन शेप्स को, और आपका प्लांट जो है ऐसी जगह पर रखा होना चाहिए जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपके प्लांट को प्रॉपरली मिले। आपने 3 से 4 दिन बाद अपने लीव्स पर से ये शेप उतार देनी है, और आपने डिफरेंस देखना है जहाँ आपने शेप पेस्ट की थी और जहाँ पे अनकवर एरिया था जहाँ आपने पेस्ट नहीं की थी, दोनों कलर में लीव के क्या डिफरेंस है। आपने जहाँ पर शेप पेस्ट की थी अब वहाँ पे ये डिफरेंस होगा कि वहाँ कलर ब्राउन हुआ हुआ होगा। किस वजह से? क्योंकि उसे प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिली, जिस वजह से उसका कलर ब्राउन हुआ हुआ होगा। ओके, आपने इस एक्टिविटी को करना है और अपनी वर्किंग को अच्छी तरह से लर्न करना है। बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।